वड़द से बुटीमोरी मार्ग पर निर्जन स्थल पर संदेहास्पद स्थिति में खड़े 6 पहिए वाले आयशर ट्रक की राज्य उत्पादन शुल्क व विभाग उमरेड ने पेट्रोलिंग के दौरान जांच की, जिसमें अवैध तरीके से 200 लीटर स्पिरिट के 10 ड्रम दिखाई दिए। पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध माल को जब्त कर आगे की कार्रवाई की है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद में अधीक्षक सुरेंद्र मनपिया द्वारा दी गई है। आइए देखते हैं। आए दिन आरोपी अवैध तरीकों से वस्तुओं को एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं। अवैध तरीके से माल को ठिकाने पर लगाने के लिए आरोपी नई नई शक्ल लड़ाते हैं, जिससे किसी को भी कोई भी संदेह नहीं होता और आरोपी अवैध तरीके से लाखों करोड़ों रुपए कमाने से बाज नहीं आते। एक तरफ आरोपी का मास्टरमाइंड काम करता है तो वही दूसरी ओर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अफसर उनके मंसूबों पर पानी फेरते नजर आते हैं। जी हाँ, ऐसी ये घटना हुई है वड़द बुटीबोरी मार्ग के एक निर्जन स्थल पर, जहां पर 6 पहिए वाला एक आयशर ट्रक से राज्य उत्पादन शुल्क फ विभाग उमरेड ने गश्त के दौरान अवैध तरीके से ले जा रहे 200 लीटर स्पिरिट के 10 ड्रम को जब्त किया है। ट्रक का चालक मालक जूनी अजनी बस्ती नागपुर में रहने वाला संजय कांता प्रसाद करदम घटनास्थल से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक सहित 30,13,000 के मुद्दे माल को जब्त किया है। ऐसी जानकारी राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक सुरेंद्र मनपिया इन्होंने पत्र परिषद में दी है। आइए देखते हैं। जिल्ह्यात अवैध व बनावट दारूंच्या संभावना लक्षात घेता काल दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 रोजी आमच्या 4 निरीक्षकांच्या टीम उमरेड भागात आणि उमरेडच्या ग्रामीण भागात गस्त व शोध मोहिमेकरिता पाठविण्यात आली होती। त्या मोहिम दरम्यान वड़द ते बुट्टीबोरी रोड या रस्त्यावर एक वाहन संशयितरित्या उभा आहे अशी आमच्या टीमला माहिती मिळाली। त्या माहितीच्या आधारे त्या वाहनाची त्या टीमने तपासणी केली असता त्या वाहनमध्ये सक्षम प्रथम दृष्ट्या असा वाटला की त्याची बाहेरून लांबी जास्त आहे परंतु डाल्याची लांबी कमी दिसतो आहे आतमधून बघितल्यानंतर। मग त्या डालाच्या पूर्ण पाहणी करून त्याचे नट बोल्ट उघडले असता डालाच्या आतमध्ये एक चोर कप्पा त्यांनी ड्रायव्हर सीटच्या मागे बनवला होता आणि त्या चोर कप्प्यामध्ये एकूण 10 ड्रम 200 बल्क लिटरचे 10 ड्रम ज्यामध्ये स्पिरिट म्हणजे शुद्ध मद्यार्क ज्याला आपण म्हणतो ते त्याने त्यामध्ये लपून ठेवला होता। ते सगळं तपासणी केल्यानंतर त्या ड्रममध्ये प्रथम दृष्ट्या स्पिरिट असल्याची खात्री झाल्यानंतर आमचे फ विभागाचे निरीक्षक श्री विजय थोरात यांनी ते गुन्हा नोंद केला। त्यामध्ये आयशर कंपनीची ट्रक आहे ते ज्याचे क्रमांक MH40CD3421 या क्रमांकाच्या वाहनामध्ये हे 10 ड्रम स्पिरिटचे मिळून आलेले आहे। त्या ठिकाणी कुठलाही माणूस उपलब्ध नव्हता त्या ट्रकच्या आजूबाजूला आणि त्या ट्रकच्या कॅबिनची झडती घेतल्यानंतर त्यामध्ये जे कागद मिळाले त्या कागदावरून गाडी मालकाचं नाव संजय कांताप्रसाद करदम राहणार जुनी अजनी वस्ती नागपूर असा ते ॲड्रेस मिळाल्यानंतर त्या इस्माला सध्या या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आलेला असून तो तिथून फरार आहे, त्याचा शोध सुरू आहे। ट्रक आणि 10 ड्रम स्पिरिट अशा एकूण 30,13,000 रुपयाचा मुद्देमाल या गुन्ह्यामध्ये जप्त करण्यात आलेला आहे आणि गुन्ह्याचा पुढील तपास निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क फ विभाग श्री विजय थोरात हे करत आहे। 6 पहिए वाला आयशर ट्रक काफी लंबा होता है, लेकिन उसका डाला काफी छोटा दिखाई दे रहा था और यही वो दृश्य था जिसे आयशर ट्रक का पर्दाफाश हुआ।
अवैध दृश्यों का उपयोग करते हैं। पुष्पा फिल्म में भी दूध के वाहन में से अवैध जंगल के पेड़ की लकड़ी की तस्करी बताई गई है। कुछ फिल्म जैसा ही मिलता जुलता दृश्य इस घटना में दिखाई दिया। राज्य उत्पादन शुल्क के अफसर और कर्मचारियों द्वारा किए गए पर्दाफाश से शहर की जनता उनके इस कार्य को काफी सराहा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़।